रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ एक इमारत के हुक्म में है कि एक को दूसरे से कुव्वत पहुंचती है, और आपने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के अंदर किया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से इसका हाथ पकड़ लो, यही उसकी मदद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। ना ही आपके रब ने आपको छोड़ा और ना ही दुश्मनी इख्तियार की, और आपका आने वाला दौर आपके गुजरे हुए दौर से बेहतर होगा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई चीज़ इतनी तवज्जह से नहीं सुनी जितनी तवज्जह से उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बेहतरीन आवाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना है।